हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये सुनकर हर कोई निश्चिंत हो जाता है। बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं हर साल बाबा के भक्त बड़े ही बेसब्री से उनके जन्मदिन का इंतजार करते हैं। हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस खास मौके पर खाटू श्याम मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और कई तरह के बाबा को पकवान खिलाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था। वो घटोत्कच के पुत्र थे और काफी बलशाली थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर बलिदान के रूप में मांग लिया था। बर्बरीक ने क्षण भर देर किए बिना श्री कृष्ण के आदेश पर अपना सर धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हारी शरण में आकर सच्चे मन से कुछ भी मांगेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।